हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल डू ज्वाइनिंग और कॉनकैटिनेटिंग नंपाई एरेज। हम एरेज को, नंपाई एरेज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? वी कैन ज्वाइन एरेज इन नंपाई बाय यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। सो हियर वी हैव थ्री फंक्शंस, बाय यूजिंग देम वी कैन ज्वाइन द नंपाई एरेज। हमारे पास तीन फंक्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम numpy arrays को ज्वाइन कर सकते हैं या concatenate is also join, right? concatenate कर सकते हैं। Okay, so the first function is concatenate function, right? And second is stack function and third is vstack function, right? हम ये तीनों फंक्शन वन बाय वन करेंगे, okay? Now, first we have concatenate function. Concatenate function क्या होता है, उसका क्या use है? That we are going to do. The concatenate function is used to join two or more arrays of the same shape. Concatenate function की help से हम दो या दो से ज्यादा arrays को join कर सकते हैं, okay? And क्या है ये एरेज की, क्या होनी चाहिए? सेम शेप होनी चाहिए। शेप होनी चाहिए मतलब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग द एक्सिस, लाइक अलोंग द जीरो एक्सिस शुड बी सेम, अलोंग द वन एक्सिस शुड बी सेम, अलोंग द टू एक्सिस शुड बी सेम। तो उनका एक्सिस के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स है एक एरे में, सेकेंड एलिमेंट एरे जो आप उसे ज्वाइन कर रहे हो वो उसमें सेम होने चाहिए, राइट? ओके, इन केस ऑफ अ 2D array, this function concatenates two arrays either by the rows or by the columns. अच्छा, अगर हम 2D arrays को join करेंगे concatenate functions से, right? तो कैसे joining होगी? या तो rows join करेंगे दोनों arrays के, right? Okay? Along the rows join होंगे या फिर वो along the column join होंगे, right? ओके, 2D array के केस में इफ वी आर डूइंग द ज्वाइनिंग, इफ वी आर डूइंग द कॉनकैटिनेशन, ओके, वो कैसे ज्वाइन होंगे? आइदर अलोंग द रोज और अलोंग द कॉलम, राइट? अभी हमारा सिंटेक्स है numpy डॉट कॉनकैटिनेट फंक्शन, राइट? एंड वी हैव गिवन द सीक्वेंस ऑफ एरेज, राइट? यहाँ पे आपका a1 A2 क्या है, ये एरेज है, A1 एरे, A2 एरेज, एंड यू कैन गिव द नंबर ऑफ एरेज, राइट? देन वी हैव द एक्सिस। एक्सिस आप स्पेसिफाई करोगे 2D एरे के केस में कि आप अलोंग द जीरो एक्सिस उसको ज्वाइन करो या वन एक्सिस ज्वाइन करो या टू एक्सिस। मल्टी डायमेंशनल एरेज में आप क्या करते हो, नंबर ऑफ एक्सिस आपके इंक्रीज होते जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सिस डिफाइन करना है, राइट? ओके, हियर A1, A2 इज द सीक्वेंस ऑफ एरेज ऑफ द सेम टाइप, राइट? आई टोल्ड यू आप एरेज जो ज्वाइन करोगे उनका वो क्या होंगे, उनका वो सेम टाइप के होने चाहिए, ओके? एक्सिस रेफर्स टू द एक्सिस अलोंग विच एरेज मस्ट बी ज्वाइंट। और यहाँ पे जो हमने एक्सिस यूज किया है वो क्या है, एक्सिस स्पेसिफाई करेगा कि किस एक्सिस के अलोंग आप अपने एरेज को ज्वाइन कर रहे हो। डिफॉल्ट इज जीरो रो एक्सेस। अगर आप एक्सेस नहीं डिफाइन करते हो, ओके, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो कैसे ज्वाइन होंगे, अलोंग द रोज, राइट? ओके, तो अब हम इस फंक्शन को प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव द एग्जांपल 1, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉनकैटिनेटिंग 2 1D एरेज। हम 2 1D एरेज को कॉनकैटिनेट करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, ओके? Why? Because हमें numpy लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज करने हैं यहाँ पर, ओके? अब हमने क्या किया, numpy लाइब्रेरी के एरे फंक्शन को यूज किया, उसमें एक लिस्ट को पास किया, राइट? और वो लिस्ट क्या बन गई, एरे बन गई, ओके, एरे ए। देन हमने एक और एरे बनाया, ओके, इसमें numpy लाइब्रेरी में numpy लाइब्रेरी के एरे फंक्शन में एक और लिस्ट पास करी और वो क्या बन गया, एरे बी, राइट? नाउ हमने क्या किया, numpy लाइब्रेरी के concatenate फंक्शन को यूज किया और उसमें सीक्वेंस, एरे सीक्वेंस को पास किया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। हियर यू कैन सी एरे ए एंड एरे बी, फाइन। अब कॉनकैटिनेट फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है तो क्या होगा, ए एरे की बी एरे से ज्वाइनिंग होगी,
राइट right? और ये ज्वाइन करने के बाद जो एरे बनेगा वो एरे क्या है, एरे सी, राइट right? तो यहाँ पे देखो हमने पहले फर्स्ट दी प्रिंट ए, तो हमारा प्रिंट ये वाला एरे आया, देन हमने किया प्रिंट बी, तो हमारा सेकंड एरे यहाँ पे प्रिंट हुआ, ओके, देन प्रिंट सी, सी में देखो आपका क्या है, कॉनकैटिनेशन ऑफ ऑल ए एंड बी, ओके, तो आपका सी कौन सा है, आपका सी है 1 1 2 3, ये आपका फर्स्ट एरे है 1 2 3 4 5, ये तो फर्स्ट एरे है, ठीक है, और उसके साथ सेकंड एरे ज्वाइन हुआ 10 20 30 40 एंड 50, ये आपका सेकेंड एरे है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉनकेटिनेट होके ए एंड बी क्या बन गए, एरे सी, यहाँ पे टू एरेस की, टू वन डायमेंशनल एरेस की हमने ज्वाइनिंग कर दी, राइट ओके, तो इन दिस एग्जांपल वी हैव सीन कि अगर आप वन डायमेंशनल एरेस ज्वाइन करोगे तो कैसे ज्वाइन होंगे, राइट ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम टू डायमेंशनल एरेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कैसे ज्वाइन होंगे, राइट, concatenating two 2D arrays along the axis 0. अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब टू डायमेंशनल एरेज हम ज्वाइन कर रहे हैं तो एक्सिस भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से एक्सिस पे आप ज्वाइन करोगे, जीरो एक्सिस पे ज्वाइन करना है या वन एक्सिस पे ज्वाइन करना है, ओके, तो फर्स्ट वही हमने क्या किया, पहले नंपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया, फिर उसके एरे फंक्शन, नंपाई लाइब्रेरी के एरे फंक्शन को यूज किया, उसमें लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या किया, पास किया, ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैसे बनाते हैं हम टू डायमेंशनल एरेस, ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये एक लिस्ट के अंदर क्या है, मल्टीपल लिस्ट है, थ्री लिस्ट हमने डाली हुई है, ओके, इन द सेम वे, तो ये हमारा एक एरे बन जाएगा ए, राइट, दिस इज आर एरे ए, देन आपका क्या है एरे, सेकेंड एरे आपने क्रिएट किया इन द सेम वे, फाइन, वो आपका बन गया एरे बी, ओके, नाउ एनपी डॉट कॉनकेटेनेट, आपने नंपाई के कॉनकेटेनेट फंक्शन को यूज किया, उसके अंदर आपने अपने एरेस की सीक्वेंस को पास किया, एरे ए एरे बी, राइट, और एक्सिस डिफाइन किया अलोंग द जीरो एक्सिस, मींस रो वाइज, ओके, रो वाइज से ज्वाइन होंगे, फाइन, अब देखो यहाँ पे प्रिंट की, और वो आपका एरे कहाँ क्या बन जाएगा, सी, प्रिंट ए आपका फर्स्ट एरे है, ये फर्स्ट एरे, प्रिंट ए फर्स्ट एरे है, देन प्रिंट बी, ओके, ये आपका सेकंड एरे है, ओके, देन प्रिंट सी, प्रिंट सी किया, तो आप देखो पहले आपका फर्स्ट एरेस की रोज आई है 3 4 1 6 8 5, ओके, 2 1 3, ये आपका फर्स्ट एरेस है, ओके, कंप्लीटली रो वाइज, देन आपका सेकंड एरेस आया है, सेकेंड एरे आपका 10 20 30 40 50 60 एंड 70 80 90, ये आपका सेकेंड एरे यहाँ पे क्रिएट हो गया, एंड दे हैव ज्वाइंट रो वाइज अलोंग द जीरो एक्सिस, तो आपका ये कंप्लीट एक एरे बन गया, राइट, ओके, ज्वाइन होने के बाद ये एक आपका थर्ड एरे बन गया, सी एरे, ओके, राइट, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे हम क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज इसको ज्वाइन करेंगे, फाइन, along the axis 1, fine, तो सबसे पहले हमने वही किया, क्या किया, numpy library को import किया, then हमने arrays को create किया by passing the multiple, by passing the list of list, right, okay, because यहाँ पे हमें 2D arrays बनाने हैं, ये देखो हमने दो arrays बनाए A and B, okay, and then उनको join कर दिया by using the concatenate function. अब यहाँ पे एक्सिस हमने क्या लिया है 1, तो ये कैसे ज्वाइन होंगे, कॉलम वाइज ज्वाइन होंगे, राइट, अब आप यहाँ पे देखो प्रिंट ए, ए प्रिंट किया आपका एरे ए प्रिंट हो गया, देन आपने किया प्रिंट बी, फिर आपका क्या हुआ, प्रिंट एरे बी प्रिंट हो गया, देन आपने क्या किया हुआ है, प्रिंट सी, क्या कमांड है, प्रिंट सी, अब प्रिंट सी में देखो ये कॉलम वाइज कॉनकेटिनेट होंगे, पहले एरे ए के कॉलम्स आए हुए हैं 3 6 2 right then 4 8 1 then 1 5 3, okay, इसके बाद कॉलम वाइज आए हुए हैं आपके सेकेंड एरे के एलिमेंट्स 10 40 70 20 50 and 80 and 30 60 and 90, राइट, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग कैसे हुई है, कॉलम वाइज ज्वाइनिंग हुई है, राइट, ओके, तो ये आपका थर्ड एरे, एरे सी क्रिएट हो गया, ओके,
अब हम करेंगे एच स्टैक फंक्शन, राइट? द एच स्टैक फंक्शन इज यूज टू स्टैक और ज्वाइन द सिक्वेंस ऑफ एरेज हॉरिजॉन्टली. एच स्टैक फंक्शन जब आप यूज करते हो तो क्या होता है, जो आपके एरेज सिक्वेंस ऑफ एरेज में जितने भी आप एरेज लेते हो वो कैसे ज्वाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली मीन्स कॉलम वाइज, राइट, टू मेक अ सिंगल एरे. हॉरिजॉन्टली वो ज्वाइन होंगे, कॉलम वाइज आपका एक सिंगल एरे बनाने के लिए. उसका अब इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, numpy dot stack and tuple containing names of arrays to be stacked. यहाँ पे एरेज के नेम आएंगे इन द फॉर्म ऑफ टपल. टपल क्या होता है, वन एरे, जो भी एरे नेम आएगा, ओके, देन कोमा, देन सेकेंड एरे नेम, देन कोमा, देन थर्ड एरे नेम, लाइक दिस, राइट? तो यहाँ पे एस्टेक फंक्शन क्या करेगा, कॉलम्स को ज्वाइन करेगा कॉलम वाइज, फाइन, ओके. अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे एस्टेक फंक्शन का. हॉरिजॉन्टली स्टैकिंग 1D array. सबसे पहले हमने सिंपल 1D array लिया है, ओके. इंपोर्ट किया numpy लाइब्रेरी को, ओके. एरे numpy लाइब्रेरी के एरे फंक्शन को यूज करके हमने क्या बनाया, एक 1D array बनाया, ठीक है, सिंगल लिस्ट पास की. उससे हमारा एक 1D array क्रिएट हुआ. हमने फिर एक और 1D array बनाया by passing the list, fine. अब ये arrays क्या है, A and B. थर्ड आपने क्या किया, np dot stack, ओके. numpy लाइब्रेरी के stack फंक्शन को यूज किया, उसमें टपल फॉर्म में आपने arrays को पास कर दिया A and B, राइट, सिंपल. अब आप यहाँ पे देखो कमांड क्या है, और जो अब इन दोनों को हॉरिजॉन्टली कॉलम वाइज कनेक्ट करने के बाद जो एरे आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, सी में, राइट. पहले आपने प्रिंट करा दिया ए को, ये आपका ए एरे है. देन आपने प्रिंट कराया बी को, ये आपका एरे बी है. देन आपने दोनों को क्या किया, ज्वाइन किया. सिंस दे आर वन डायमेंशनल एरे तो यहाँ पे रोज और कॉलम का कुछ है नहीं कि वो कैसे ज्वाइन होंगे. तो सिंपली क्या होता है, आपका फर्स्ट एरे आया एंड देन आपका ज्वाइन होके सेकेंड एरे, तो सॉरी सेकेंड एरे, तो ये आपका कंप्लीटली एक एरे बन गया, एरे सी, फाइन, ओके. 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट एरे है, 10, 20, 30, 40, 50 आपका सेकेंड एरे है. तो ये ज्वाइन होके क्या बन गया, कंप्लीट वन एरे क्रिएट आपका हो गया, फाइन. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल में अब स्टैकिंग होगी टू डायमेंशनल एरेज की, ओके, हॉरिजॉन्टली कॉलम वाइज, फाइन. तो हमने सबसे पहले क्या किया, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर हमने एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट किया बाय यूजिंग द एरे फंक्शन ऑफ numpy लाइब्रेरी एंड पासिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट जिसके अंदर मल्टीपल लिस्ट होती है, फाइन. हमने एक और एरे क्रिएट किया 2D एरे, ओके, बाय यूजिंग द एरे फंक्शन. अब ये दोनों एरे क्या है, ए एंड बी, फाइन. देन हमने क्या किया, नेक्स्ट कमांड दी np dot stack. stack फंक्शन को यूज किया और एरे ए एंड एरे बी को क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है, स्टैक किया, ओके. अब यहाँ पे देखो, और वो ज्वाइन होके क्या बन जाएगा, एरे सी, फाइन. अब हमने सबसे पहले प्रिंट ए किया हुआ है, तो आपका एरे ए प्रिंट हुआ यहाँ पर, राइट. देन आपने प्रिंट किया बी, तो आपका एरे बी प्रिंट हुआ यहाँ पर. देन आपने किया प्रिंट सी, और प्रिंट सी, सी एरे आपका कौन सा है, सी एरे आपका है जो आपके ज्वाइन करके बना है कॉलम वाइज एस्टेक से, राइट. तो यहाँ पे सी एरे देखो, पहले फर्स्ट कॉलम के आपके आएंगे, फर्स्ट एरे के आपके कॉलम्स आएंगे 1, 4, देखो 1, 4, देन 2, 5, देन 3, 6, फाइन. देन उसके बाद आपके सेकेंड जो एरेज है उसके कॉलम्स आ जाएंगे 10, 40, देन 20, 50, देन 30 एंड 60, ओके. तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड एरे क्रिएट हुआ है सी, वो क्या कैसे क्रिएट हुआ है, बाय ज्वाइनिंग देम हॉरिजॉन्टली, और यू कैन से बाय ज्वाइनिंग देम अलोंग द कॉलम्स, राइट, ओके. तो एस्टेक जब फंक्शन आप यूज करते हो तो क्या होता है, एरेज हॉरिजॉन्टली स्टैक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कॉलम वाइज वो ज्वाइन करते हैं, फाइन. नाउ वी हैव वी स्टैक फंक्शन. अब हमारे पास क्या है, वी स्टैक फंक्शन है, ओके. द वी स्टैक फंक्शन इज यूज टू स्टैक और ज्वाइन द सिक्वेंस ऑफ एरेज वर्टिकली. अब वी स्टैक क्या है, वर्टिकली एरेज को ज्वाइन करेगा फंक्शन, राइट, रो वाइज, ओके. और इसका आपके पास सिंटेक्स क्या है, numpy dot vstack
okay, and tuples, arrays in the form of tuples, right? Fine. यहाँ पे हम tuple की form में specify करेंगे जो arrays हमें join करने हैं, okay? Now, first हमने ले लिया example आपका 1D array का, okay? Simple, हमने 1D array का example लिया, fine. तो यहाँ पे आपने सबसे पहले numpy library को import किया, okay? Then numpy library के array function को use करके एक one dimensional array बनाया, जो आपका एरे ए है. फिर आपने numpy लाइब्रेरी के एरे फंक्शन को यूज करके एक और एरे बनाया, दैट इज एरे बी. ओके, देन हमने नेक्स्ट क्या किया, numpy लाइब्रेरी के वी स्टैक फंक्शन को यूज करके ए एंड बी को इन द फॉर्म ऑफ टपल पास कर दिया. ओके, वी स्टैक मींस नाउ ए विल बी स्टैक विद बी, ए विल ज्वाइन विद बी, फाइन. और कैसे ज्वाइन करेंगे, रो वाइज वर्टिकली, फाइन. अब यहाँ पे हमने प्रिंट कराया सबसे पहले ए, तो आपका ये एरे ए है. ओके, देन आपने एरे बी को प्रिंट करा दिया, तो ये आपका एरे बी है. देन आपने क्या किया है, एरे सी को प्रिंट कराया. अब देखो पहले हमारा क्या आएगा, एरे ए की कंप्लीट रो आई है, ओके, देन आपका क्या है, एरे बी की कंप्लीट रो आई है, फाइन. तो इन दिस वे आपका क्या हुआ, टू वन डी एरे ज्वाइन होके क्या बन गया, वन टू डी एरे. ओके, अलोंग द रोज आपके ज्वाइन करके क्या हुआ, टू वन डी एरेज ने क्रिएट किया वन टू डी एरे, फाइन. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे वी स्टैक का, फाइन. वी स्टैक का नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे आपने क्या किया, अगेन नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, ओके, एरे फंक्शन का यूज करके आपने क्रिएट किया एक टू डी एरे, फाइन. देन अगेन एरे फंक्शन, नंपाई लाइब्रेरी के एरे फंक्शन का यूज करके आपने एक और एरे क्रिएट किया, दैट इज टू डी एरे. और उसके बाद आपने उनको वी स्टैक फंक्शन, नंपाई लाइब्रेरी के वी स्टैक फंक्शन को यूज किया और एज अ टपल उनको एरेस को आपने पास कर दिया. अब ये क्या होंगे, स्टैक हो जाएंगे, मतलब ज्वाइन हो जाएंगे वर्टिकली, रो वाइज, फाइन. क्योंकि आपका बी स्टैक क्या करता है, अलोंग द रोज ज्वाइन करता है, फाइन, वर्टिकली ज्वाइन करता है. अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ए को प्रिंट करा दिया, ये आपका एरे ए प्रिंट हो गया. देन आपने क्या किया, बी को प्रिंट करा दिया, सी, ये आपका एरे बी प्रिंट हो गया. नाउ आपने क्या प्रिंट कराया, एरे सी, फाइन. एरे सी दोनों की को ज्वाइन करके बनाया, तो सबसे पहले फर्स्ट एरे की रोज आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका फर्स्ट एरे की रोज है, ओके, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली ज्वाइन हो रहा है. फिर आपके सेकेंड एरे की रोज आ गई 10 20 30 40 50 60, फाइन. तो आपका सी ये एरे क्रिएट हुआ है बाय स्टैकिंग द एरेज वर्टिकली और यू कैन से अलोंग द रोज, फाइन. ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक. Till then, bye bye.